वेलकम बैक टू माय चैनल इरम्स लाइफस्टाइल एंड लिबिया। तो आज सुबह का आवाज़ हुआ जाता है, बच्चे स्कूल की तैयारी में, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर चलते हैं हमारी मान के लिए उनका लंच तैयार करने। रोज़ाना एक न्यू सोच भाई, जिस तरह लेडीज़ परेशान होती हैं आज क्या खाने में बनेगा, इसी तरह हम मदर्स जो होती हैं ये भी सोचती हैं कि आज बच्चों को लंच में क्या दें, समथिंग न्यू और डिफरेंट और अच्छा भी लगे बच्चों को और हेल्दी भी हो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ अच्छा सा इन लोगों को दूँ और ये लोग खुश होकर खाएं। तो बस इन लोगों के लिए आज बर्गर, थोड़ा सा फ्रूट, थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने इनको दी हैं और इनका लंच और ब्रेकफास्ट भी रेडी है, स्कूल की तैयारी है। आप क्या खाना पसंद करेंगी स्कूल से आने के बाद? मलाई बूटी खाएंगी। फिर उसके लिए हमें बोनलेस चिकन लाना पड़ेगा। बोनलेस चिकन लाना पड़ेगा? हाँ। चलो ठीक है, और क्या खाना पसंद करेंगे? बर्गर खाएंगी आप? ओके। पर हमारे लिए तो वो गैस नहीं है। गैस सिलेंडर भर जाएगा, नो प्रॉब्लम। और अमल आप क्या खाना पसंद करेंगी? आज मैं खाऊंगी खाने में तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन, वाह वाह, क्या क्या फरमाइशें हैं बेटियों की, बस माँ लगी रहे सारा दिन है। हाँ। चलो कोशिश करेंगे भाई कि आपकी फरमाइशें पूरी की जा सकें, ठीक है? आपके स्कूल जाने के बाद हम करेंगे। आपको ये चैलेंज पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैलेंज पसंद आया था तो न जनाब, अमल ईमान की फरमाइश पे हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी मलाई चिकन। तो ये कॉम्बिनेशन है मलाई बोटी का और तंदूरी चिकन का। तो देख लें हम क्या डाल रहे हैं। चिकन में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, लेमन जूस डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक हिस्बे जायका, रेड चिली पाउडर हिस्बे जायका और चिकन तंदूरी मसाला भुना पिसा ज़ीरा और 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं योगर्ट और 1/2 कप के करीब मैंने तकरीबन लिया था ये क्रीम जिसको बलाई कहते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, फिर इसको मैरिनेशन पे लगाना है और बहुत ही जमी, आप यकीन करें बहुत मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। क्योंकि आपको पता है चिकन तंदूरी थोड़ा डार्क सा कलर होता है ऑरेंज कलर का, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर्स डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इस पर हम कोयले का धुआं लगाएंगे, इसको कवर कर देंगे कोयला जलाकर। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा डाल दिया है, अब इसको हमने कवर कर देना है और अच्छा सा इसमें स्मोक आ जाएगा और इसको फिर ओवन में लगा देना है। हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया है ऊपर और बस अब इसको कवर करके हमने इसको ओवन में लगा देना है और बेक कर लेना है अच्छे से। और बहुत ही जमी सा ये चिकन मलाई तंदूरी तैयार हो जाएगा, अमल ईमान को बहुत पसंद आएगा। तो देखते हैं अमल ईमान कितना खुश होती हैं। तो जनाब बस हमारा चिकन तंदूरी मलाई रेडी हो गया है, जमी सा मज़ेदार सा। ये चिकन मलाई तंदूरी है और हम चिकन खाते हैं।